लालू जी के द्वारा सृजित बिहार की आवाम के प्रति जो आस्था है उसे यह चंद मुट्ठी भर के केंद्र के लोगों के नाटक से दबने को नहीं है। ये सरकार बनी रहेगी और नहीं बने रहेगी तो हम लोग बने रहेंगे, सरकार आपके हाथ में रहेगी। राज्यपाल किसको बुलाएगा जिसके पास बहुमत है? जब राज्यपाल बुलाएंगे बहुमत को हम सिद्ध करेंगे। आपको लगता है बहुमत है? बिल्कुल बिल्कुल। तेजस्वी आवास के अंदर जो विधायक दल की बैठक चल रही थी अब वो समाप्त हो गया है और जो तमाम आरजेडी के बड़े नेता हैं वो अब अंदर से बाहर निकल गए हैं। जो तेजस्वी आवास था वहाँ जो तमाम नेता आए हुए थे वो बाहर निकले हैं और पूर्व विधायक से जब सवाल किया गया क्या लगता है मौजूदा सरकार कैसा चल रहा है नीतीश कुमार को लेकर के जो तमाम अटकलें हैं वो बिहार की जो सरगर्मी है वो सारी चीज़ों का जवाब जब उनसे लिया गया पूर्व विधायक से वो क्या कर रहे हैं, अब सबसे पहले आप वो वीडियो सुने। ये सरकार बनी रहेगी और नहीं बने रहेगी तो हम लोग बने रहेंगे, सरकार आपके हाथ में रहेगी। कैसे आप मानते हैं सरकार हमारे जनता के साथ, हम लोग हमारे पास वोट है, किसके साथ रहेगी? बहुमत की जरूरत, बहुमत की जरूरत है, बहुमत सिद्ध करेंगे। राज्यपाल किसको बुलाएगा जिसके पास बहुमत है? जब राज्यपाल बुलाएंगे बहुमत को हम सिद्ध करेंगे। आपको लगता है बहुमत है? बिल्कुल बिल्कुल। अब बहुमत सिद्ध करेंगे बिहार के युवाओं का भविष्य को बर्बाद नहीं होने देंगे। आपका सवाल है, बात तय मानिए, लालू जी के द्वारा सृजित बिहार की आवाम के प्रति जो आस्था है उसे यह चंद मुट्ठी भर के केंद्र के लोगों के नाटक से दबने को नहीं है। जिस तरह भी आप लोग सब उत्सुक है यही उत्सुकता हम लोग के अंदर में है, राजगी के साथ है। बिल्कुल राज्यपाल की बुलाहट होनी है और हम लोग को जाना है। समर्थन वापस लेंगे आप लोग? समर्थन वापस लेंगे आप लोग? सर समय आने दीजिए सर, समर्थन समर्थन वापस लेंगे सर आप लोग? समर्थन आपके कहने से नहीं ना बाबा? जी जी, समर्थन क्यों वापस लेंगे? हम समर्थन में आ गए, हमारे जोड़ करके हम लोग बिहार की जनता की खुशहाली को खत्म किए। आज एक मिनट के लिए उठने की बात आपको क्यों बताए कि हम टूट गए? तो क्या बड़ा नीति बनी? हर मिनट जब आप ऑक्सीजन पर चढ़ते हैं तो घर वाले उम्मीद रखते हैं कि हम जीवित हो जाएंगे। नीतीश कुमार को लेकर जो चर्चाएं हैं फिर से पलटी मार देंगे? नहीं, ये बात आप कह सकते हैं, हम नहीं। बैठक में क्या निर्णय होगा? हम लोग को एकजुट होकर रहना है। राज्यपाल की बुलाहट होगी, हम लोग जाएंगे और अपना हम लोग वहाँ पेश करेंगे और पेश करने के बाद सरकार को कायम रखेंगे। तो जैसा कि आपने सुना वो साफ कर रहे हैं कि अब हम लोग बहुमत सिद्ध करेंगे और आज राजभवन भी जाने का बात उन्होंने खुद कहा है। लेकिन क्या लगता है आने वाले समय में क्या तेजस्वी यादव सरकार बनाएंगे या फिर नीतीश कुमार भाजपा के साथ जा कर के सरकार बना लेंगे? ये तमाम जो समय चल रहा है, जो बिहार की राजनीति का माहौल चल रहा है, जो सरगर्मी है, इस सरगर्मी को लेकर के जो तमाम विधायक हैं वो अंदर बैठक कर रहे थे, लेकिन जब तमाम और भी जो नेता हैं जब वो बाहर निकले तो वो साफ करें कि इसके लिए लालू यादव को अधिकृत किया गया है और वही डिसाइड कर सकते हैं कि आने वाले समय में क्या कुछ होगा। बहरहाल ये तो वक्त बताएगा कि तेजस्वी यादव की सरकार महागठबंधन बनेगी या फिर नीतीश कुमार महागठबंधन से अलग हो करके वो नीतीश कुमार के साथ जा करके सरकार बनाएंगे, ये तो वक्त बताएगा। अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में दें, फेसबुक पे देख रहे वीडियो को शेयर कर लें, यूट्यूब पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।